महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सपाइयों ने जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन कर किया विरोध प्रकट। सपा मजदूर सभा के इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष। मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम ने बताया, देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मजदूर परेशान है। जब तक ये समस्याएं दूर नहीं होंगी, मजदूर सभा समय समय पर आंदोलन करती रहेगी। और जाए भाई, केंद्र की भाजपा सरकार की बेतहाशा महंगाई खिलाफ, भ्रष्टाचार खिलाफ, बेरोजगारी खिलाफ और सरकारी संस्थानों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के दिए गए आरक्षण के को खत्म करने की साजिश खिलाफ ये एक दिवसीय भूख हड़ताल कार्यक्रम है। ये प्रोग्राम पिछले 20 दिनों से राष्ट्रीय मजदूर सभा द्वारा पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। बेतहाशा महंगाई के खिलाफ पूरा राष्ट्रीय में शामिल, पूरा मजदूर संघ शामिल है। मजदूर इसमें मरने के कगार पे खड़ा है और एक मजदूर अगर अहिंसात्मक सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकता है तो वो भूख हड़ताल कर सकता है, क्योंकि वो भूखा है। आगे समाजवादियों की महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किस तरह से आंदोलन करेंगे? देश और प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव का चुनाव है और भाजपा खिलाफ वो अपना पूरा आक्रोश वोट देके निकाल सके। क्या कहना चाहेंगे? आज का धरना प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज एक दिवसीय भूख हड़ताल का धरना यहाँ मुख्यालय पर किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, उनके वो भी हमारे साथ हैं, विनोद चौधरी जी भी जो नोएडा से यहाँ हमारे बीच में आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। ये जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं मजदूर सभा फिरोजाबाद के लोग, सभी कार्यकारी के सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष करमवीर सिंह हैं, प्रदेश के कार्यकारी सदस्य धर्मवीर जी हैं और हमारी पूरी कार्यकारी फिरोजाबाद में मजदूरों के साथ और हमारे साधारण हुसैन भी है राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य हैं अल्पसंख्यक सभा में। तो जो फिरोजाबाद में मजदूर वर्ग है, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, कारखाने बंद हो गए पूरी तरह से। इस बीजेपी सरकार ने जो मजदूरों के हित के श्रम कानून थे उनको भी समाप्त कर दिया है और 8 घंटे के बजाय 10-10, 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है मजदूरों से और उनको वेतन सिर्फ वो जो पहले मिलता था वही दिया जा रहा है, काम अधिक लिया जा रहा है। तो मजदूर सभा आज यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से आगाह करती है कि मजदूरों के हित में कानून लागू करें और नहीं आगे जो चुनाव आ रहा है उसमें वोट के माध्यम से पहले तो इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे और आगे जो है अगर फिर भी नहीं सुधरते हैं तो मजदूर सभा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।